पाटोदी पंचायत समिति के उकातिया बेरा लाखानियों की ढाणी में धार्मिक खातेदारी भूमि पर हुए कब्जे को हटवाने की मांग को ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाटोदी पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों से जिला मुख्यालय पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने बजरंग दल के साथ अतिक्रमियों के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मंदिर की खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। बाड़मेर जिले के पाटोदी पंचायत समिति के उकातिया बेरा लखानियों की ढाणी के राजस्व ग्राम भगतलाई बेरा में धार्मिक खातेदारी भूमि पर हुई अतिक्रमण के विरोध में शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उकातिया बेरा कालाथल हरिनगर और लखानियों की ढाणी के ग्रामीणों और बाड़मेर बजरंग दल के प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर की भूमि में हो रहे कब्जे का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया और इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पाटोदी की नवसृजित ग्राम पंचायत उकातिया बेरा में ठाकुर जी का मंदिर आया हुआ है। देवस्थान विभाग द्वारा खसरा संख्या 205 और 206 में डोली बनाम ठाकुर जी के मंदिर के लिए 402 बीघा 4 बिस्वा खातेदारी भूमि आवंटन की गई थी। मंदिर की भूमि में पुजारियों द्वारा काश्त नहीं किए जाने से ये भूमि अन्य व्यक्तियों को काश्त के लिए दी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां काश्त कर रहे विशेष जाति वर्ग के लोगों ने भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया है और इस भूमि पर कच्चे मकान बनाए जाने के साथ काश्तकार लोग धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में धार्मिक खातेदारी की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग की है। दिल्ली के अंदर दो प्राचीन जब पाटोदी की स्थापना हुई वहां से एक ठाकुर जी का और एक निरंजनी ठाकुर जी के मंदिर आए हुए हैं। उरु में पाटोदी का मूल गांव के अंदर करीब 850 बीघा अलग अलग स्थानों पर मंदिर के नाम से खातेदारी भूमि आई हुई है, जिसमें पाटोदी में से नवसर्जित ग्राम औकातिया बेरा खसरा नंबर 205 और 206 कुल रकबा 403 बीघा और एक बिस्वा पर अवैध रूप से मुसलमानों द्वारा आया कब्जा करके उस जमीन के अंदर उस अवैध एक ढाणी दो चार टाके बना करके जबरदस्त कास्त की जा रही है। कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जिसकी किसी तरह से सभी के बीच में भाईचारा कायम रहे, इसलिए प्रशासन के पास में ज्ञापन देने के लिए आए ताकि प्रशासन के माध्यम से खाली करवाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक खातेदारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर आसपास के दर्जनों गांव के लोगों में असंतोष व्याप्त है। इससे धार्मिक दंगा फसाद होने की संभावनाएं भी गहराती जा रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों और बजरंग दल ने मांग की है कि प्रशासन समय रहते धार्मिक खातेदारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाए ताकि जिले में भाईचारा कायम रहे। साथ ही पाटोदी पंचायत समिति के अलग अलग ग्राम पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने मंदिर की भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।